इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां शिवपाल और अखिलेश का मतभेद खत्म हो चुका है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां शिवपाल अखिलेश का आपसी विवाद खत्म हो चुका है। 6 साल बाद दोनों का एक साथ पोस्टर लगा है। डिंपल यादव की जीत वाले पोस्टर पर एक साथ फोटो। 2024 की जंग मिलकर लड़ेंगे चाचा भतीजे, भाजपा को देंगे कड़ी टक्कर। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश और शिवपाल का आपसी विवाद खत्म। 6 साल बाद दोनों का एक साथ लगा पोस्टर। डिंपल यादव की जीत वाले पोस्टर पर एक साथ फोटो। 2024 की जंग मिलकर लड़ेंगे चाचा भतीजे, भाजपा को देंगे कड़ी टक्कर। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। बता दें शिवपाल अखिलेश का आपसी विवाद खत्म हो गया है। 6 साल बाद दोनों का एक साथ पोस्टर लगा है। डिंपल यादव की जीत वाले पोस्टर पर एक साथ फोटो। चौबीस की जंग मिलकर लड़ेंगे चाचा भतीजे, भाजपा को देंगे कड़ी टक्कर। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का आपसी मतभेद, आपसी विवाद खत्म हो चुका है। दोनों चाचा भतीजे जो है अब एक साथ आ गए हैं और आने वाले आगामी चुनाव में दोनों की जोड़ी भाजपा को मिलकर टक्कर देगी। और इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों चाचा भतीजे जोड़ी में जो विवाद था खत्म हो गया है। डिंपल यादव का जो पोस्टर लगा था उसमें दोनों की साथ में तस्वीरें आई है और आगामी चुनाव में अब दोनों की जोड़ी मिलकर भाजपा को टक्कर देने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा लोकसभा सीट और दो विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से नतीजे आए हैं तो उसका सीधा असर सैफई परिवार को देखने को मिला, जहाँ चाचा भतीजे एक साथ चुनाव के दौरान नजर आया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी सियासी कुंभ में जो खटास थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। अखिलेश यादव पिछले आपको बता दें 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो धीरे धीरे उनके सपा पर जो है तमाम उस तरीके से जो शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की तमाम जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें डिंपल यादव भारी जो है संख्या में यहाँ पर जीत दर्ज की, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तो परिवार एक साथ हो गया, जिसमें अब कह सकते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो उसमें सीधा असर डाल सकता है। जी बिल्कुल, और बीजेपी के लिए भी अब सपा बड़े कंपटीशन के तौर पर उतरने वाली है, क्योंकि लोकप्रियता हमने देखी सपा की और अब जब दोनों के बीच में जो है मतभेद खत्म हो गया है, विवाद खत्म हो गया है, तो बीजेपी के लिए बड़ा कॉम्पिटिशन लेके आने वाली है सपा। जी बिल्कुल, शिवपाल और अखिलेश का जो आपसी विवाद था वो तकरीबन 6 साल बाद खत्म हो गया, साथ ही दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से वापस आ गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक नई तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं और इस पर काफी असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको हमने दी, जहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सारे विवाद खत्म हो चुके हैं। डिंपल यादव की जीत के पोस्टर में दोनों चाचा भतीजों की तस्वीर जो है एक साथ नजर आई और अब कहा जा सकता है कि 2024 चुनाव में दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी एक कड़ा कॉम्पिटिशन बीजेपी के लिए लेकर आएगी।